कि मेरा बेटा एक विशेष बने, पुरुषोत्तम बने, पुरुषों में भी उत्तम बने, ऐसा कैसे हो? तो इस बारे में दो चार बात मैं आपके बीच में रखूंगा। देखो, जो भवन का आधार है वो नींव होती है, और मनुष्य जीवन का जो आधार है, जो मनुष्यपन का जो आधार है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य आपका जितना अच्छा है, जितना मजबूत है, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंद से भरा हुआ है। आप अनेकों लोगों के उदाहरण देखेंगे। एक कहता है अपनी जीवनी में, यदि मैं स्त्रियों के प्रति आकर्षित होता तो स्त्रियों ने मुझ पर राज किया होता। स्त्रियों का राज करने का मतलब क्या है? ये जितने आशिक होते हैं ना, इनकी लड़की को पागल बनाए रहती है। कहीं भी कह दे वही जाएगा, कुछ भी मंगा ले वही लेके आएगा, चाहे उसको पैसे उधार उठाने पड़े, कुछ बेचना पड़े, कुछ करना पड़े। पर आस्तिक ऐसे बावड़े होते हैं, वो निर्बुद्धि हो जाते हैं और स्त्रियां उनके ऊपर राज करती हैं। एक और कहता है, कहता जोसेफिन, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारे प्यार ने मुझे निर्बुद्धि बना दिया है। यानी कि आदमी जब इन चीजों में पड़ता है तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना। वो निर्णय नहीं ले पाता गलत क्या है सही क्या है, बस उसी चीज के पीछे पागल हुआ रहता है। वो समझ नहीं पाता ये समय मेरा चैटिंग करने का है, ये समय मेरा पढ़ाई करने का है, ये समय मेरा इसके साथ बातचीत करने का है, या ये समय मेरा मेरे लक्ष्य की ओर बढ़ने का है। वो कुछ विचार ही नहीं कर पाता है, वो निर्बुद्धि हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने कुछ इतिहास रचे हैं, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य की भूमिका अच्छे से निभाई है। और एक कहता है अपनी जीवनी में कि मैंने अपने हथियारों को ही मेरा जीवन साथी बनाया और मैंने उन्हीं के साथ हसीन रातें गुजारी हैं। हसीन रातें गुजारने का मतलब समझ गए ना? लोग तो लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ हसीन रातें गुजारते हैं कि रात भर उसके साथ सोऊंगा, अकेले कमरे में रहेंगे, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन वो कहता है मैंने मेरे हथियारों के साथ हसीन रातें गुजारी है, हथियारों का अभ्यास किया है या उनका परीक्षण किया, कुछ भी किया। और ऐसे लोग विजेता बने हैं। मैं आपसे ये कहता हूं, इस मनुष्य जन्म को यदि आपने श्रेष्ठ बनाना है, हमारे यहां पर भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, तो क्या होता, भवन निर्माण के कार्य में जितने अधिक उसके अंदर सरिये लगे होते हैं, है ना, उसकी उतनी अधिक मजबूती होती है। सरिये कौन कौन सी कंपनी के आते हैं? अलग अलग कंपनियों के आते हैं, अच्छी कंपनी के डालने जाते हैं। ज्यादा डालोगे, ज्यादा करोगे तो मजबूत रहेगा। लेकिन इस मनुष्य जन्म में जो सरिये ऋषियों ने दिए, जो सरिये, जो सरियों के रूप में जो लोहे रूपी सरिये दिए इस शरीर में, मनुष्य जन्म में, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य मजबूत रखने के लिए, तो ऋषियों ने क्या दिया? 75 साल का ब्रह्मचर्य रखा। इस मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए ऋषियों ने जो सरिया दिया वो दिया ब्रह्मचर्य का, और इतना अधिक भर दिया, इतना अधिक भर दिया। आप क्या सोचते हो ब्रह्मचर्य कितने साल का कहा ऋषियों ने? 48। आप विचार कीजिए, चार आश्रमों में 75 साल का, 75 ईयर्स तो प्योर ब्रह्मचर्य है, प्योर अखंड ब्रह्मचर्य है। कौन सा? 25 साल तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, 25 साल वानप्रस्थ आश्रम में, और 25 साल संन्यास आश्रम में, तो 75 साल का अखंड ब्रह्मचर्य हुआ कि नहीं हुआ? 75 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य हुआ। और फिर आ जाओ गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम में क्या कहा? खुली छूट दे दी क्या? नहीं, नहीं दी खुली छूट। क्या कहा? संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान संस्कार होता है, घर में संस्कार से पता चल जाता आज पति और पत्नी दोनों संयोग करेंगे, समझ जाते हैं। लेकिन आजकल कोई संस्कार नहीं, आजकल उल्टा चला हुआ है, गृहस्थी ऑपरेशन करवा रही है। क्यों करवा रहे ऑपरेशन जी? बच्चे ज्यादा ना हो, बच्चे ज्यादा ना, इसलिए ऑपरेशन करवा रहे। अरे बच्चों के लिए नहीं, तो अपनी वासना को खुला परमिट दे रहे हो कि दिन में करूं, रात में करूं, सुबह करूं, शाम करूं, खुला परमिट है वासना को तुम्हारी को। अरे तुम संयम का पालन करो बच्चों के लिए, ये बच्चों के नाम पर अपनी वासना को खुला निमंत्रण दे रहे हैं।
तो इसलिए आप यदि श्रेष्ठ बनेंगे, मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ करना चाहेंगे, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य सबसे अनिवार्य है। और एक बात और सुन ले, जानता है काम वासना ना, काम वासना छोटी चीज मत मानियो, कहीं इसको छोटी चीज मान लो, अच्छा अच्छे वो पकड़ लेती है, मंच पर बहुत अच्छा बोलेगा, आइए आइए करें, ओम का जाप करें, काम वासना खींच लेगी। कब खींच लेगी? तब खींच लेगी जब काम वासना को कामदेव को थोड़ा सा भी मार्ग मिल जाएगा, तभी पकड़ लेगी। मैंने अच्छे अच्छे लोगों के जीवन पता है, मेरे पास तो बहुत मैसेज आते हैं, लोग अपने जीव की बातें बताते हैं, मैं कभी किसी के जीवन के रहस्य नहीं खोलता, उस पर विश्वास करते हैं। मुझे उन लोगों के पते, उन्होंने बताया, लड़कियों तक ने मुझे बताया कि फलाना फलाना व्यक्ति ऐसा है, मुझे आश्चर्य हो वो भी ऐसा, कईयों पर तो मैंने खुद परीक्षण करे हुए कि ऐसा है कि नहीं है। तो अपने आप को सावधान रखें। अब कल एक का फोन आया मेरे पास, मैसेज आया, जी मैं एक साल से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, लेकिन कुछ थोड़ी गलती हुई, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा जो एक साल ब्रह्मचर्य पालन कर ले, कोई सामान्य तो है नहीं भाई। तो मैंने जैसे ही मैसेज पढ़ा, वैसे मैं फोन खोलने का समय तो मेरा भोजन और विश्राम के समय होता मुख्य रूप से, मैंने मैसेज उसको किया, मैंने कहा अभी तेरे को वीडियो कॉल करता हूं। लड़का हिमाचल प्रदेश का, मैंने सुना, वीडियो कॉल करी, बड़ी प्रसन्नता हुई उसको, ओहो आपकी वीडियो कॉल आ गई है, बड़ा अच्छा लगा उसको। तो वो लड़का जो एक छोटी सी गलती हुई, उससे एक छोटी सी भूल, सामान्य सी भूल, और सामान्य सी भूल कामदेव ने अपना झटका दिखा दिया। एक साल के तप को तोड़ने पर आदमी को कितना प्राश्चित होता होगा, कहता इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ जितना दुख मुझे आज हुआ। क्या हुआ ऐसा? छोटी सी गलती, कामदेव ने तुरंत अटैक किया। कामदेव एक बहुत बड़ा स्नाइपर है, स्नाइपर, स्नाइपर समझते हो ना, फौज में होते निशानेबाज, और वो छिप करके रहते हैं, बहुत किलोमीटर दूर बैठ जाएंगे अपने टारगेट से, और उनके पास विशेष हथियार होते हैं जो कई किलोमीटर के ऊपर वार कर देते हैं, और वो जैसे उसको दुश्मन की थोड़ा सा भी अंग दिखाई देगा ना, इतने खतरनाक निशानेबाज होते, तुरंत वहीं मार देंगे, और एक पोजीशन पर बैठे रहते हैं, उनका धैर्य, उनकी एकाग्रता इतनी खतरनाक होती है। ऐसे ही कामदेव तो उससे कई गुना खतरनाक है, यदि कामदेव ने थोड़ा सा भी तुम्हें गलती में देख लिया ना, थोड़ा सा भी, वो तुरंत अटैक करेगा, छोड़ेगा नहीं। हमने खुद के जीवन का पता है, जहां हमने थोड़ी सी भूल की है, अरे हम तो बाल ब्रह्मचारी की उसमें है, हमने ये नहीं पता काम वासना का स्वाद क्या है, जहां हमसे थोड़ी सी गलती, जहां ऋषियों के नियम टूटे, जहां जहां ऋषियों के नियम टूटेंगे, वहां आपका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रह ही नहीं सकता। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, गुरुकुल में आए हैं, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, डटे रहिए, सावधानी रखिए। मैं फिर कहता हूं, जहां स्त्रियां नहीं होती वहां पुरुषों में आकर्षण होता है, वहां पुरुषों में आकर्षण होता है। और कल तो मेरे पास एक बहुत खतरनाक फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है, किसी न किसी लड़के के साथ कोशिश करी है, और दोनों मेरे जानकार हैं, तो आज मैं अच्छी सी जानकारी लूंगा। होता क्या, जहां स्त्रियां नहीं होती वहां पुरुष पुरुषों में आकर्षण हो जाते हैं, और ये पता नहीं चलता कि कब कामदेव पकड़ लेता है। पहले तो सामान्य हमारा आपसी प्रेम होता है, लेकिन फिर वो वासना का रूप ले लेता है। तो आप बड़े सावधान रहिए, अपने आप को बचाइए, ब्रह्मचर्य मजबूत रखिए, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद।